भाकपा माले पार्टी पहुंची सिकंदरपुर तहसील। एसडीएम के आदेश पर बंद करा दिया गया गेट। आधे घंटे कड़कड़ाती धूप में खड़े रहे पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता। कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया तहसील गेट। भाकपा माले पार्टी ने तहसील प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। इसलिए मित्रों, ये पूरे देश के लोग। खबर बलिया जिले के सिकंदरपुर से है, जहां भाकपा माले पार्टी विभिन्न समस्याओं को लेकर पार्टी के तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता तहसील गेट पर पहुंचे, लेकिन तहसील प्रशासन ने गेट पहले ही बंद कर रखा था। आप देख सकते हैं कि कैसे माले नेता श्रीराम चौधरी तहसील गेट के बाहर से ही तहसील प्रशासन से गेट खोलने की गुहार लगा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में करीब आधे घंटे तक अपनी मांगों को लेकर माले नेता गेट पर डटे रहे और इनके पीछे आम जनता भी फंसी हुई दिखाई दी। इस खींचातानी में कैसे भी तहसील प्रशासन द्वारा तहसील का गेट खोला गया। जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों संग माले नेता तहसील परिसर में पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर तीन अलग अलग पत्रक एसडीएम, मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सिकंदरपुर रवि कुमार पासवान को सौंपा। पत्रक लेने के बाद एसडीएम ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को रखा जाएगा। फिलहाल हम आपको बताएंगे कि इस पत्रक में क्या क्या मांगे हैं। उससे पहले आपको बता दें, भाकपा माले पार्टी के नेता श्रीराम चौधरी ने कहा कि यह अभी तक का पहला ऐसा मामला है जिसमें एसडीएम द्वारा हम लोगों को रोका गया है। वर्तमान एसडीएम पूरी तरह से भ्रष्ट एसडीएम है। अगर आज एसडीएम महोदय गेट नहीं खुलवाए होते तो हमारा धरना प्रदर्शन गेट के बाहर ही चलता और यहीं पर रात्रि भोजन भी होता। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए भाकपा माले नेता ने कहा कि वर्तमान समय में लोकतंत्र लूट तंत्र हो गया है। यहां तहसील परिसर में टेंट और दरी बिछाया गया था बैठने के लिए, लेकिन तहसील प्रशासन के लोगों ने टेंट तो उखाड़ ही लिया और साथ ही दो नई दरी भी चुरा ले गए। वही कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने अपने संबोधन में कहा कि हम लोगों को मनरेगा में काम नहीं मिल पा रहा है। जो लोग बाहर हैं वो तो अपनी कमाई का जरिया ढूंढ लिए हैं, लेकिन जो गांव में हैं उन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जो जनता सरकार बना सकती है वो सरकार हटा भी सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि पत्रक में भाकपा माले पार्टी की क्या क्या मांगे हैं। मनरेगा मजदूरों को काम दिया जाए और बकाया मजदूरी का भुगतान किया जाए। राशन कार्ड से वंचित गरीबों का राशन कार्ड बनाया जाए। गांव-गांव कैंप लगाकर राशन कार्ड की जांच कराकर अपात्रों का नाम हटाकर पात्रों को जोड़ा जाए। सिसोटार की चकबंदी कराई जाए एवं सार्वजनिक जमीन की बंदरबाट पर रोक लगाकर गरीबों को बसने तथा चक्रोड सहित अन्य सुविधा दिया जाए। अवैध कच्ची शराब बनाने तथा बेचने पर तत्काल रोक लगाई जाए एवं इसमें संबंधित थाने की संलिप्तता की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। थाना, तहसील, बैंक और ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तत्काल रोक लगाई जाए। गरीब किसानों की जमीन एवं चक्रोड बिना हिला हवाली और रुपए लिए समय से पेमाइश किया जाए। सभी गरीब बस्तियों में नाली खड़ंजा बनवाया जाए। सभी वृद्धा विधवा दिव्यांगों को पेंशन दिया जाए और रुकी हुई पेंशन बहाल की जाए। पेंशन राशि कम से कम 5,000 रुपए प्रति माह की जाए। ग्राम सभा सिसोटार मौजा में भाकपा कार्यालय में लिए गए कबाला जमीन जिसका नंबर 4052, इसकी पैमाइश कराई जाए। खरीद दियरा दरौली में बाढ़ में डूबी हुई आबादी के क्षतिग्रस्त हुई है, उनको क्षतिपूर्ति दिया जाए।
जनपद सीतापुर के भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य वर्तमान जिला पंचायत सदस्य अर्जुन लाल को जिला बदर करने पर रोक लगाई जाए। जनपद लखीमपुर खीरी के भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य एवं किसान नेता रामदरस, जो दिल के गंभीर मरीज हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनको तत्काल रिहा किया जाए। किसानों के धान की फसल बर्बाद होने के चलते सिकंदरपुर तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। खारे दियरा दरौली में घाघरा की कटान को रोकने के लिए पर्याप्त ठोकर बनाया जाए या गोसाईपुर से लेकर मनियर तक आबादी को बचाने के लिए नया रिंग बांध बनाया जाए। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से सार्थक राय की रिपोर्ट।